जीएस न्यूज, सच्ची खबर आप तक। उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉरपोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। आज बुधवार 28 सितंबर को नौगछिया के प्रोफेसर कॉलोनी में होगा श्याम बाबा का भव्य भजन संध्या का आयोजन। नौगछिया नगर परिषद क्षेत्र के सभापति व मुख्य पार्षद प्रत्याशी खुशबू कुमारी के पति सुरेंद्र कुमार सुमन के आवास प्रोफेसर कॉलोनी में आज 28 सितंबर को भव्य श्याम बाबा का भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए प्रत्याशी प्रतिनिधि सुरेंद्र कुमार सुमन ने बताया कि यह बाबा की कृपा से आयोजन हो रहा है। इसमें नौगछिया नगर परिषद के सभी श्याम प्रेमी एवं धार्मिक कार्यों से जुड़े रहने वाले सादर आमंत्रित हैं। वहीं मौके पर महाप्रसाद का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके पूर्व सुरेंद्र कुमार सुमन ने अपने समर्थकों के साथ नौगछिया नगर परिषद क्षेत्र में घूम घूम कर श्याम बाबा भजन संध्या का आमंत्रण पत्र वितरित किया है। खुल गया, खुल गया, खुल गया। नवगछिया में खुल गया एक आधुनिक रेडीमेड शोरूम। फैशन पॉइंट, किड्स वेयर, मेंस वेयर, लेडीज वेयर का अनूठा संगम। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के कलेक्शन का एक मल्टी ब्रांडेड शोरूम, जिसमें विभिन्न प्रकार के ब्रांड के रेडीमेड कपड़े उपलब्ध हैं। बचपन से लेकर बचपन तक, जीरो से लेकर हीरो तक के विभिन्न आकर्षक और बेहतरीन कलेक्शन है उपलब्ध। हमारा पता है वैशाली चौक, स्टेशन रोड, नवगछिया। नवरात्रि 2022 पर विशेष ऑफर है उपलब्ध। बच्चे का प्रथम गुरु माता पिता ही होते हैं संत शंभुनाथ शास्त्री। शारदीय नवरात्रा के शुभ अवसर पर मंगलवार को मां दुर्गा के दूसरी पूजा अर्थात माता के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा के मौके पर आयोजित सैदपुर दुर्गा मंदिर प्रांगण में रामकथा के दूसरे दिन विद्वान कथावाचक संत शंभुनाथ शास्त्री ने कहा कि बच्चों के प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। उन्होंने कहा कि पिता वट वृक्ष की तरह बच्चों को छाया प्रदान करते हैं, माँ बच्चों को अपनी ममता के साथ भरण पोषण करती हैं, बच्चों को संस्कार माता पिता से ही मिलते हैं और वहीं से उनका जीवन शुरू होता है। बच्चे का जीवन माता पिता के बताए कर्मों से आगे बढ़ता है। इस मौके पर शंभुनाथ शास्त्री ने कहा कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, लेकिन जिस तरह राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न को संस्कार मिला, वह संस्कार ही आगे बढ़कर उनके जीवन में काम आया। जितना अपने अनुज भाइयों का सम्मान देते थे, उससे कहीं अधिक अपने बड़े भाई का सम्मान सभी भाई देते थे। दुर्गा पूजा हेतु 100 एवं नगर परिषद चुनाव के लिए 70 लोगों पर किया गया निरोधात्मक कार्रवाई, एक अपराधी पर सीसीए 3 एवं 12 की कार्रवाई का प्रस्ताव। पुलिस जिला नवगछिया में दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने हेतु नवगछिया पुलिस कई तरह की कानूनी कार्रवाई अवांछित तत्वों पर कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार गोपालपुर थाना पुलिस के द्वारा गोपालपुर थाना क्षेत्र के नगर परिषद क्षेत्र गोसाई गांव पंचायत अंतर्गत सिंघिया, मकनपुर एवं हरनाथ गांव में लगभग 70 लोगों के ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई किया गया है। दुर्गा पूजा को देखते हुए लगभग 150 से अधिक लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई के साथ साथ 109 एवं 110 का भी प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी को दिया जा रहा है, जिससे कि किसी भी तरह का हुड़दंग दशहरा के मौके पर ना हो सके। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के शराब माफिया से लेकर के शराब तस्करों पर गुंडा पंजी का नाम दर्ज करने का भी कार्रवाई किया गया है। थाना क्षेत्र के
परघट निवासी कुख्यात अपराधी पीयूष यादव पर CCA 3 एवं CCA 12 तथा बेल रिजेक्ट के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष मनी फासफान ने बताया कि इस्माइलपुर क्षेत्र में भी दशहरा को लेकर के लगभग 40 से 50 लोगों के ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। सभापति पद की उम्मीदवार इंदिरा देवी ने अपने मोटरसाइकिल छाप पर मतदान को लेकर किया धोबिनिया और नवटोलिया में जनसंपर्क। नवगछिया नगर परिषद के सभापति पद के उम्मीदवार इंदिरा देवी ने अपने चुनाव चिन्ह मोटरसाइकिल छाप पर मतदान को लेकर नगर परिषद के धोबिनिया और नवटोलिया में घर घर जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क किया एवं आशीर्वाद लिया, सबों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। मौके पर उन्होंने मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नवगछिया के लोगों ने उन्हें हमेशा प्रेम स्नेह और आशीर्वाद दिया है। इस बार फिर से सभी एकजुट होकर मोटरसाइकिल छाप के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। वहीं मौके पर IRTA के विरोध में अभिकर्ताओं ने मनाया काला दिवस, नवगछिया LIC कार्यालय में काला बिल्ला लगाकर किया प्रदर्शन। IRTA के विरोध में LIC अभिकर्ताओं ने अपने देशव्यापी कार्यक्रम के तहत नवगछिया में काला दिवस मनाया है। इसी क्रम में LIC अभिकर्ताओं ने नवगछिया LIC ऑफिस में काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। पॉलिटिकल एडवाइजर कमेटी के ऑल इंडिया चेयरमैन सह अभिकर्ता संघ बेगूसराय डिवीजन के चेयरमैन सत्य प्रकाश झा ने कहा कि IRTA ने जो प्रस्ताव लाया है वह अभिकर्ता विरोधी है। IRTA अभिकर्ताओं का कमीशन कम करने का प्रस्ताव ला रही है जो अमानवीय कृत्य जैसा है। IRTA का प्रस्ताव है कि एक LIC अभिकर्ता 3-3 बीमा कंपनी का काम करे जो उचित नहीं है। IRTA उपभोक्ताओं का डीमैट अकाउंट खोलने की तैयारी में है जो अनुचित है। एक तरफ सरकार जनधन खाता खोल रही है, ऐसे में डीमैट अकाउंट कितना प्रासंगिक होगा। सत्य प्रकाश झा ने कहा कि इस तरह का प्रस्ताव IRTA वापस ले, नहीं तो देश के लाखों उपभोक्ता पुरजोर प्रदर्शन के साथ संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेंगे। इस अवसर पर सत्य प्रकाश झा शाखा अध्यक्ष आमोद सिंह, सुबोध कुमार मिश्रा, अविनाश कुमार राय, सरोज पवन सार, दिनेश ठाकुर समेत अन्य अभिकर्ता भी मौजूद थे। पोषण परामर्श केंद्र का किया गया उद्घाटन। नगर पारा उत्तर पंचायत के नारायणपुर गांव स्थित आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 44 पर मंगलवार को पोषण परामर्श केंद्र का CDPO सगुफ्ता यास्मीन ने उद्घाटन किया। सेविका आराधना कुमारी के नेतृत्व में राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया था। मौके पर CDPO ने बताया कि गर्भवती व धारती महिला समेत 3 वर्ष तक के बच्चों को संतुलित भोजन दिया जाना अनिवार्य है। संतुलित भोजन की कमी से बच्चे अतिकुपोषित एवं महिलाएं कई बीमारी के शिकार हो जाती हैं। पर्यवेक्षिका से लस रूबी कुमारी ने बताया कि अति कुपोषित बच्चों के लिए सभी केंद्रों पर अभिभावकों को बुलाकर जागरूक किया जा रहा है। सेविका श्वेता कुमारी ने लाभार्थियों को संतुलित पोषण आहार के बारे में बताया और पोषण जागरूकता का शपथ ग्रहण लाया। मौके पर सेविका सुनेना कुमारी, नीकू कुमारी, उमानु कुमारी, रीना कुमारी, नीतू कुमारी, अफसाना बानो, धर्मेंद्र जी एवं अन्य लोग मौजूद थे। गौरीपुर में युवक को गोली मारकर किया घायल, मायागंज रेफर। बीपुर में मंगलवार की शाम प्रखंड के लत्तीपुर दक्षिण पंचायत वार्ड 7 निवासी सचिदानंद ठाकुर के 20 वर्षीय पुत्र छोटू ठाकुर को गोली मार घायल कर दिया गया। युवक को कमर के नीचे गोली मारी जो जान से बाहर निकल गई। कट्टे के बट से सिर पर मारा जिस कारण युवक घायल हो गया। वहीं सूचना पर बीपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह और PSI उमाशंकर मौके पर पहुंचे और घायल युवक को CHC इलाज खोलाया। अस्पताल में घायल युवक ने बताया कि मैं दुर्गा मंदिर से आरती लेकर लौट रहा था, तभी गांव के ही नंदन व नीतीश ने कहा कि बाइक पर बैठो। हमने कहा नहीं बैठेंगे, तब कहा चौक तक चलो। चौक से आगे जाने लगा तो हमने कहा हम नहीं जाएंगे, तब नीतीश ने मुंह बंद कर दिया और करहरू के पास पहुंचने पर कहा उतारो और कट्टे से सिर पर मारा और गोली मार दिया। हम सड़क किनारे गिर गए, तब दोनों यह कहकर भाग गया कि मर गया। बीरपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार
कुमार सिंह ने कहा कि गोलीकांड को लेकर पड़ताल की जा रही है। इधर बीपुर सीएससी के डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए मायगंज रेफर कर दिया है। लूटकांड का आरोपी पहाड़पुर से गिरफ्तार। प्रतिनिधि नारायणपुर प्रखंड के पहाड़पुर गांव से भवानीपुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर लूटकांड का आरोपी राजन ठाकुर पिता जनक ठाकुर को गिरफ्तार सोमवार की रात में किया। प्राणपुत्र रोशना ओपी थाना कांड संख्या 205/22 दिनांक 23 सितंबर 2022 धारा 392 के अप्राथमिकी अभियुक्त राजन ठाकुर पिता जनक ठाकुर ग्राम पहाड़पुर थाना भवानीपुर ओपी जिला भागलपुर को गिरफ्तार भवानीपुर पुलिस ने कर प्राणपुर रोशना ओपी को सुपुर्द किया। थाना अध्यक्ष रमेश कुमार साह ने आरोपी तीन थाना में एक गिरोह बनाकर लूटकांड को अंजाम देता था। शक के आधार पर तीन लोग को भवानीपुर पुलिस ने पूछताछ के लिए थाना लाया। प्रतिनिधि नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर पुलिस ने सोमवार की सुबह एक नाबालिग युवक के साथ दो लोगों को शक के आधार पर भवानीपुर थाना नारायणपुर बस स्टैंड चौक से पूछताछ के लिए लाया। नाबालिग युवक सिलीगुड़ी निवासी कृष्णा कुमार ने बताया कि खगड़िया जिला के पौरा थाना क्षेत्र के डब्लू कुमार ने पूर्णिया से पकड़कर अपने घर पर 4 दिन से रखा था, जो शराब डिलीवरी का काम करने कहता नहीं करने पर पिस्तौल सटा कर मारने की धमकी देता था। इसलिए वहां से भागकर नारायणपुर बस स्टैंड से बस पकड़ने आया। थाना अध्यक्ष रमेश कुमार साह ने बताया कि कृष्णा दो व्यक्ति से रो रो कर बता रहा था, तब पुलिस ने थाना लाया। नाबालिग ने बताया कि 10 दिन पहले काम की तलाश में भागलपुर आया था। काम नहीं मिलने पर भागलपुर से लौटने पर नौगछिया 0 माइल से लेकर डब्लू कुमार ने पौरा लेकर चला गया। युवक के परिजन को सूचना दिया है, आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। परवता पुलिस ने मारपीट और हत्या के प्रयास मामले में जमुनिया गांव से एक आरोपी को किया गिरफ्तार। परवता पुलिस ने थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव से मारपीट और हत्या के प्रयास मामले में फरार चल रही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी जमुनिया निवासी योगेंद्र सिंह है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बस स्टैंड के पास हुए सड़क हादसे में एक घायल। नौगछिया बस स्टैंड के पास एक अज्ञात वाहन के धक्के से खगड़िया जिले के परवत्ता थाना क्षेत्र के मड़ैया निवासी विद्यानंद दास गंभीर रूप से घायल हो गए। विद्यानंद को इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। गड्ढे में डूबने से बालक की मौत। प्रखंड के नगरपारा उत्तर पंचायत वार्ड नंबर 4 निवासी डब्बू यादव का 7 वर्षीय पुत्र निहाल कुमार का मौत मंगलवार की संध्या 7 बजे हो गया। ग्रामीण दीपक ने बताया कि घर के कुछ दूरी पर सड़क के पास बथान है, जहां की बालक के पिता गाय रखता था। बालक घूमने के लिए बथान ही गया था। बथान के आगे गड्ढे में पैर फिसलने से 7 वर्षीय बालक का डूबने से मौत हो गया। लोगों के द्वारा काफी खोजबीन के बाद 1 घंटे बाद बालक का शव बरामद किया, जिसे परिजन ने निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने बालक को मृत घोषित किया। घर में मृतक के माता पिता दादा दादी का रो रो कर बुरा हाल है। सीओ अजय सरकार को ग्रामीण ने दूरभाष पर सूचना दिया। उन्होंने बताया कि अभी तक जानकारी नहीं मिला है, अगर ऐसा कुछ होगा तो राजस्व कर्मचारी से जांच कर सरकारी प्रावधान के तहत उचित मुआवजा परिजन को दिया जाएगा। इस्माइलपुर पुलिस ने बरामद किया 15 लीटर देशी शराब, विक्रेता मौके से हुआ फरार। इस्माइलपुर पुलिस ने इस्माइलपुर गांव में छापेमारी कर 15 लीटर देशी शराब बरामद किया है। पुलिस की छापेमारी के दौरान शराब विक्रेता मौके से फरार हो गया। मामले की प्राथमिकी इस्माइलपुर थाने में दर्ज कर ली गई है, जबकि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए इस्माइलपुर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। नौगछिया पुलिस ने सिमरा गांव से NBW वारंटी को किया गिरफ्तार। नौगछिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर लंबे समय से फरार चल रही NBW वारंटी सिमरा निवासी टुनटुन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। नौगछिया व्यवहार न्यायालय GR 608 वर्ष 2019 के मामले में वह फरारी था। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।
जहानवी चौक टीओपी पर पुलिस ने सघनता पूर्वक चलाया वाहन जांच अभियान, 11,000 की हुई वसूली। जहानवी चौक टीओपी पुलिस ने जहानवी चौक के पास सघनता पूर्वक को वाहन जांच अभियान चलाया। इस क्रम में ट्रैफिक कानून का पालन नहीं कर रहे 3 वाहन चालकों से 11,000 जुर्माने की राशि वसूल की। पुलिस ने सभी वाहन चालकों को ट्रैफिक कानून का पालन करने का निर्देश दिया है, जबकि खासकर मोटरसाइकिल चालकों को हेलमेट अवश्य पहनने की सलाह दी है। बीपुर में करनी सेना ने कैंडल मार्च निकाल, अमरेंद्र के हत्यारे की गिरफ्तारी का किया मांग। मंगलवार को नौगछिया पुलिस जिला करनी सेना के जिला संगठन मंत्री राहुल कुमार एवं अधिवक्ता राधाकृष्ण सिंह की अगुवाई में 19 सितंबर को हुए जमीन कारोबारी अमरेंद्र सिंह के हत्यारे की अविलंब गिरफ्तारी की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च में मुख्य अतिथि जिला प्रभारी रजनी सिंह, जिला संगठन प्रभारी निर्भय सिंह भी मौजूद थे। इस मौके पर कहा गया कि जब तक अमरेंद्र सिंह के हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक करनी सेना पूरे बिहार के हर एक जिले में शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाल कर विरोध जताएंगे। इस कैंडल मार्च अधिवक्ता राधा कृष्ण सिंह, विपुल सिंह, शुभम सिंह, राहुल सिंह, समीर सिंह, विभाकर सिंह, रूपेश सिंह, नीलेश सिंह, जटाशंकर सिंह, टुनटुन सिंह आदि शामिल थे। कदवा में बारिश से ध्वस्त हुई दो सड़कों की जिला पार्षद ने कराई मरम्मती कार्य। बीते दिनों कदवा में मूसलाधार बारिश होने से कदवा दियारा पंचायत के भरोसा सिंह टोला व काशिमपुर कदवा के शिव मंदिर समीप मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बनी सड़क ध्वस्त हो गई थी, जिसकी सूचना जीप नंदनी सरकार ने RWD के एक्सक्यूटिव ब्रजेश कुमार को फोन पर बात कर देते हुए सड़क की मरम्मत कराने की मांग की थी, जहां RWD के एक्सक्यूटिव ब्रजेश कुमार के निर्देश पर अगले ही दिन यानी मंगलवार को जिला पार्षद नंदनी सरकार ने भरोसा सिंह टोला व काशिमपुर के शिव मंदिर समीप ध्वस्त हुई सड़कों की जगह ईंट व मिट्टी डालकर मरम्मती कार्य करा दी है। मौके पर वार्ड सदस्य प्रवीण कुमार व नवीन कुमार निश्चल के साथ अन्य लोग उपस्थित थे। डॉग स्क्वायर के द्वारा शराब का खोजबीन। प्रतिनिधि नारायणपुर प्रखंड के वालाहा मधुरापुर बाजार व दास टोला में भागलपुर से आए डॉग स्क्वायर टीम के द्वारा भवानीपुर पुलिस के ASI मुकेश कुमार सिंह व मुकेश यादव के नेतृत्व में शराब का खोजबीन किया गया। भवानीपुर थाना अध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया, दुर्गा पूजा को लेकर विधि व्यवस्था व शराब का खोजबीन किया जा रहा है। लगभग 20 शराब तस्कर के घर पर छापेमारी किया गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि लगातार शराब माफिया के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। मौके पर भागलपुर से आए सिपाही प्रमोद कुमार, विपिन कुमार व चालक अरविंद कुमार मौजूद थे। आज बुधवार 28 सितंबर को नौगछिया के प्रोफेसर कॉलोनी में होगा श्याम बाबा का भव्य भजन संध्या का आयोजन। नौगछिया नगर परिषद क्षेत्र के सभापति व मुख्य पार्षद प्रत्याशी खुशबू कुमारी के पति सुरेंद्र कुमार सुमन के आवास प्रोफेसर कॉलोनी में आज 28 सितंबर को भव्य श्याम बाबा का भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए प्रत्याशी प्रतिनिधि सुरेंद्र कुमार सुमन ने बताया कि ये बाबा की कृपा से आयोजन हो रहा है। इसमें नौगछिया नगर परिषद के सभी श्याम प्रेमी एवं धार्मिक कार्यों से जुड़े रहने वाले सादर आमंत्रित हैं। वहीं मौके पर महाप्रसाद का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके पूर्व सुरेंद्र कुमार सुमन ने अपने समर्थकों के साथ नौगछिया नगर परिषद क्षेत्र में घूम घूम कर श्याम बाबा भजन संध्या का आमंत्रण पत्र वितरित किया है। सतर्कता व जागरूकता अभियान जदयू कार्यकर्ताओं ने चलाया। बिहार प्रदेश जनता दल जदयू के निर्देश पर सोमवार को प्रखंड नारायणपुर जदयू की ओर से जागरूकता एवं सतर्कता अभियान के तहत वालाहा चौक से प्रखंड मुख्यालय तक पदयात्रा किया गया,
केंद्र सरकार की तानाशाही, भ्रष्टाचारी, महंगाई, बेरोजगारी, समाज में विद्रोह फैलाना व धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिद के नाम पर संविधान के छेड़छाड़ के खिलाफ में जनाक्रोश पदयात्रा निकाली गई। इसमें जिला संगठन प्रभारी सुबोध पटेल, प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र यादव, जिला शिक्षा प्रकोष्ठ अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह, प्रखंड जदयू अध्यक्ष अनिल पटेल, जदयू नेता रंजीत मंडल, अमर प्रोफेसर राघवेंद्र प्रताप, गौतम गोविंद सहित अन्य समर्पित कार्यकर्ता उपस्थित थे। शक के आधार पर 3 लोग को भवानीपुर पुलिस ने पूछताछ के लिए लाया थाना। नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर पुलिस ने सोमवार की सुबह एक नाबालिग युवक के साथ 2 लोगों को शक के आधार पर भवानीपुर थाना नारायणपुर बस स्टैंड चौक से पूछताछ के लिए लाया। नाबालिग युवक सिल्लीगोड़ी निवासी कृष्णा कुमार ने बताया कि खगड़िया जिला के पौरा थाना क्षेत्र के डब्लू कुमार ने पूर्णिया से पकड़कर अपने घर पर 4 दिन से रखा था, जो शराब डिलीवरी का काम करने कहता नहीं करने पर पिस्टल सटाकर मारने की धमकी देता था, इसलिए वहां से भागकर नारायणपुर बस स्टैंड से बस पकड़ने आया था। थाना अध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया कि कृष्णा 2 व्यक्ति से रो रो कर बता रहा था, तब पुलिस ने थाना लाया। नाबालिग ने बताया कि 10 दिन पहले काम की तलाश में भागलपुर आया था, नहीं मिलने पर भागलपुर से लौटने पर नवगछिया 0 माइल से लेकर डब्लू कुमार ने पौरात लेकर चला गया। युवक के परिजन को सूचना दिया है, आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। SC/ST एक्ट और हत्या के प्रयास मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। SC/ST एक्ट और हत्या के प्रयास मामले में फरार चल रहे आरोपी को रंगरा पुलिस ने मधुरोनी गांव से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी मधुरोनी निवासी पूनो मंडल उर्फ रमेश मंडल है। जानकारी मिली है कि इसी वर्ष 1 अगस्त को गांव के रोहित कुमार ने पूनो मंडल के विरुद्ध रंगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इधर खरीक पुलिस ने वर्ष 2010 के एक मामले में फरार चल रहे NBW वारंट बगरी निवासी विभास यादव को गिरफ्तार कर लिया है। कटिहार के रोशना गांव के पास फाइनेंस कर्मी से हुई 2.5 लाख रुपए लूट कांड मामले में नारायणपुर के पहाड़पुर गांव से एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कटिहार के रोशना गांव में इसी माह 23 सितंबर को भागलपुर के गोराडी निवासी एक फाइनेंस कंपनी के मैनेजर विनोद कुमार ठाकुर से 2.5 लाख रुपए और मोबाइल लूट कांड के मामले में भवानीपुर नारायणपुर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव से जनक ठाकुर के पुत्र राजन ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। भवानीपुर नारायणपुर के पुलिस अवर निरीक्षक मुकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई छापेमारी में आरोपी को गिरफ्तार किया गया और संबंधित थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया। मालूम हो कि रकम संग्रहण कर फाइनेंस कंपनी के मैनेजर भागलपुर आ रहे थे, लेकिन कटिहार के प्राणपुर थाना क्षेत्र के रोशना गांव के पास एक ही बाइक पर सवार होकर आए 2 अज्ञात अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर मैनेजर से 2.5 लाख रुपए की नकदी और उनका मोबाइल लूट लिया था। जदयू ने विकास विरोधी भाजपा की साजिश का पर्दाफाश करने को निकाला जागरूकता मार्च, सदस्यता अभियान पर जोर। मंगलवार को बीपुर डाक बंगला परिसर में जदयू प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार लाल की अध्यक्षता में एक बैठक किया गया, जिसका संचालन राजनीति प्रसाद तांती ने किया। वहीं मुख्य अतिथि जदयू प्रदेश महासचिव सुबोध कुमार पटेल भी मौजूद थे। बैठक में पार्टी की मजबूती पर चर्चा किया गया। वहीं कार्यकर्ताओं व नेताओं से प्रदेश में चल रही सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने के निर्देश दिए गए। वहीं सदस्यता अभियान पर विशेष जोर दिया गया। उसके बाद विकास विरोधी भाजपा द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश का पर्दाफाश करने को लेकर सतर्कता व जागरूकता मार्च भी निकाला गया। इस मौके पर प्रदेश महासचिव ने कहा, भाजपा देश में सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने में लगी है, इसके साथ ही संवैधानिक संस्थानों को बर्बाद किया जा रहा है।
महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भाजपा पूरे देश में अलग थलग पड़ गई है। जागरूकता मार्च डाक बंगला से निकल स्टेशन गोलंबर तक गई। इस मार्च में अजय सिंह, सुनील चौधरी, रिंकू मंडल, लाल मोहन आदि समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। बीपुर में सड़क पर जमे पानी की दुर्गंध से नारकीय जीवन जीने को विवश लोग, हर दिन राहगीर होते हैं चोटिल। बीपुर मध्य पंचायत के विक्रमपुर वार्ड नंबर 6 में ग्रामीण पीसीसी सड़क पर नाले व बारिश के पानी से जल जमाव एक बड़ी समस्या है। साल के कई महीनों तक इस सड़क पर जल जमाव रहता है, जो पानी काला व दुर्गंध युक्त है, जिस कारण यहां आसपास के रहने वाले लोगों नारकीय जीवन जीने को विवश है। यह पीसीसी सड़क टेढ़ी बाजार, हटिया, बीपुर थाना व सरकारी अस्पताल को जोड़ती है। इस जल जमाव से करीब 2000 से अधिक लोग पीड़ित हैं। इस गंदे पानी के कारण लोगों को स्किन की कई बीमारियां भी हुई है। वही स्थानीय निवासी वार्ड सदस्य शमशेर राइन, सुमन कुमार सा, शमशाद राइन, मोहम्मद सजीर, मोहम्मद सोहेल राइन, मोहम्मद सलामत आदि ने हम लोग इस जल जमाव की समस्या से काफी परेशान हैं। कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा सरकारी गड्ढे का अतिक्रमण कर लिया गया है, नाले भर गए हैं। आए दिन साइकिल सवार, बाइक सवार व अन्य लोग नाले में गिरकर जख्मी होते हैं। तेज बारिश होने पर लोगों के घरों में नाले का पानी घुस जाता है। इस समस्या के समाधान का कोई पहल नहीं करता है। अगर जल्द इस जल जमाव की समस्या का निदान नहीं किया गया तो हम लोग उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे।